नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेष शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे मालूम है आप सब लोग बड़े ही बेकरार हो आज के इस वीडियो के बारे में सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, मंदी का असर मुझ पर ही क्यों होता है। दोस्तों, मंदी का असर हमारे ऊपर हो या ना हो, उसके लिए चार फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस फैक्टर के बारे में मैं आपको समझाऊं, उसके पहले कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप जो बिजनेस और प्रोफेशन में हो उसमें आपको मंदी लग रही है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ही के बिजनेस और प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महीने का लाखों रुपया इसी मार्केट में और इसी मंदी में कमा लेते हैं। मंदी का उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वही शॉपिंग करना, वही फ्रेंड्स के साथ पार्टियां एंजॉय करना, या फिर वही आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना फैमिली के साथ। दोस्तों, कभी कभी जॉब करते हैं उनको भी मंदी का असर होता है, जैसे कि उनको सैलरी नहीं मिलती है, या सैलरी 3-4 महीने तक अटक जाती है, या फिर कंपनी उनकी सैलरी में कट ऑफ कर देती है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। लेकिन वही कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको सैलरी टाइम पे मिलती है, जिनको इंक्रीमेंट भी मिलता है और उनको प्रमोशन भी मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? मंदी का असर किसी की लाइफ के ऊपर 100% होता है, किसी की लाइफ के ऊपर 50% होता है, किसी की लाइफ के ऊपर 25% होता है, या फिर किसी की लाइफ के ऊपर मंदी का असर होता ही नहीं है। दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि ये सब नसीब का या किस्मत का खेल है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये सब नसीब या किस्मत का खेल नहीं है, ये सब हमारे हाथ का खेल है। मंदी का असर हमारे ऊपर कितना होने देना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो और इसमें बताई गई सारी बातों को इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये मंदी आज के बाद आपका पीछा कभी नहीं करेगी। आपको हमेशा हमेशा ये मंदी से मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो के अंत में आपके साथ में एक टेबल शेयर करूंगा। वो टेबल के अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स मेंशन की है जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उस टेबल को समझने के बाद आप अपनी मंदी की गाड़ी को तेजी से तेजी की ओर लेके जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वो चार इंपॉर्टेंट फैक्टर की जिसकी वजह से मंदी का हमारे ऊपर असर होता है। पहला मार्केट फैक्टर, दूसरा एस्ट्रोलॉजी फैक्टर, तीसरा वास्तु फैक्टर, चौथा माइंड फैक्टर। अब इन चारों फैक्टर को डिटेल में समझते हैं। पहला मार्केट फैक्टर। मार्केट फैक्टर मतलब मार्केट की मंदी। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और उसकी वजह से मार्केट में मंदी आती है, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, कैश फ्लो ऑफ द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट, इंटरनेशनल पॉलिसीज। ये फैक्टर्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से मार्केट में मंदी आ सकती है। दूसरा एस्ट्रोलॉजी फैक्टर। एस्ट्रोलॉजी फैक्टर में दो बातें होती है, राइट बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर योर कुंडली एंड नेगेटिव दशा। दोस्तों, क्या आप आपकी कुंडली के हिसाब से सही बिजनेस और प्रोफेशन में हो? आपको अपनी कुंडली के हिसाब से सही बिजनेस और प्रोफेशन में होना बहुत जरूरी है। नेगेटिव दशा, दोस्तों जब 6th house, 8th house या 12th house की दशा चलती है तो उसे आमतौर पर जनरली नेगेटिव दशा कहा जाता है। तीसरा वास्तु फैक्टर, घर के या ऑफिस में नॉर्थ जोन, साउथ ईस्ट जोन या वेस्ट जोन के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उस वास्तु दोष की असर डायरेक्टली हमारे ऊपर होती है और मंदी हमें काफी परेशान करती है। नॉर्थ जोन मनी एंड अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्टेड है, साउथ ईस्ट जोन कैश फ्लो के साथ कनेक्टेड है, एंड वेस्ट जोन गेन एंड बेनिफिट के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों सोचिए, घर या ऑफिस में मनी, अपॉर्चुनिटी, गेन, बेनिफिट, कैश फ्लो, ये सारे वास्तु दोष होंगे तो ऑब्वियसली मंदी का असर हमारे ऊपर होने ही वाला है। चौथा माइंड फैक्टर। दोस्तों, माइंड फैक्टर को कभी कभी माइंड की मंदी भी कह सकते हैं और माइंड की मंदी का मतलब होता है हमारे माइंड में नेगेटिव थिंकिंग होना, हमारा डिसीजन टाइम पे नहीं लेना, अच्छी चीज़ों को पावरफुली इम्प्लीमेंट नहीं करना, रोज सुबह लेट उठना, डिसीजन में काफ़ी टाइम लगाना, भगवान में नहीं मानना, भगवान की पूजा पाठ नहीं करना। चलिए अब देखते हैं वो टेबल जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये चार फैक्टर हमारी लाइफ में किस तरीके से असर करते हैं और अगर मंदी की असर को कम करना हो तो वही चार फैक्टर को पॉजिटिव करके हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को आपके ऐसे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो मंदी के मारे है, मंदी का उनके ऊपर काफी बुरी तरीके से असर हुआ है। मेरे अगले वीडियो का टॉपिक भी इतना ही जबरदस्त है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, पैसे को और अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ कैसे खींचना। ये जबरदस्त टॉपिक के बारे में वीडियो को तुरंत ही पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाए,
मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तुरंत ही करें। दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर एक टेबल पेश किया गया है। इस टेबल के अंदर दो साइन है, प्लस साइन एंड माइनस साइन। प्लस साइन क्या बताता है? तेजी बताता है, पॉजिटिवनेस बताता है। माइनस साइन क्या बताता है? मंदी बताता है, नेगेटिवनेस बताता है। अब आपकी लाइफ वर्स्ट होगी, वर्स होगी, बैड होगी, एवरेज होगी, बेटर होगी या फिर बेस्ट होगी, ये सारा इस टेबल के ऊपर निर्भर करता है। जितने आपके पॉजिटिव फैक्टर रहेंगे लाइफ में, उतनी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। जितने फैक्टर्स नेगेटिव रहेंगे, उतनी आपकी लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा। आइए समझते हैं। दोस्तों, ये चार फैक्टर में से तीन फैक्टर, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड माइंड, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर हमने ये तीनों को पॉजिटिव बना दिया तो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा। दोस्तों, वर्स्ट लाइफ कैसे बनती है आप टेबल में देख सकते हो। चारों चार फैक्टर माइनस में, तो लाइफ ऑब्वियसली वर्स्ट होने वाली है। अब वर्स्ट में से थोड़ी सी वर्स कैसे कर सकते हैं? हमने कोई चेंज नहीं किया, मार्केट फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट में तेजी आ गई, लेकिन बाकी के तीन फैक्टर नेगेटिव में ही है, तो माइनस फोर से माइनस टू पे आ जाएंगे, लेकिन लाइफ वर्स्ट में से वर्स होगी, बेटर या बेस्ट नहीं होगी। दोस्तों, बैड लाइफ और एवरेज लाइफ में ज्यादा अंतर नहीं होता है। आप देख सकते हो टेबल में दो फैक्टर पॉजिटिव, दो फैक्टर नेगेटिव, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेगा। एक पोजीशन ऐसी है जिसमें एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों नेगेटिव है, लेकिन माइंड को इतना पॉजिटिव कर दिया है, तो लाइफ क्या हो जाएगी? माइनस टू से जीरो पे आ जाएगी, लेकिन बैड तो रहेगी। और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु को पॉजिटिव कर दिया है, मार्केट में भी मंदी है और माइंड में भी नेगेटिविटी है, तो भी लाइफ एवरेज ही रहती है। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था, बेटर लाइफ एंड बेस्ट लाइफ, ये बेटर लाइफ एंड बेस्ट लाइफ बनाना अपने ही हाथ में है। बेटर लाइफ कैसे बनती है? मान लो मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट में मंदी है, लेकिन आपने एस्ट्रोलॉजी फैक्टर, वास्तु फैक्टर एंड माइंड फैक्टर तीनों को पॉजिटिव कर दिया है, तो आप प्लस टू पे रहोगे। और अगर मान लो दोस्तों, जिस दिन मार्केट में तेजी आ गई, ऑलरेडी आप वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड माइंड को पॉजिटिव करके बैठे हो, तो दोस्तों आपकी चांदी ही चांदी हो जाएगी, आप बेस्ट लाइफ जियोगे। जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको लगता होगा ये एस्ट्रोलॉजी फैक्टर कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, वास्तु फैक्टर कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, माइंड फैक्टर कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। बड़ा आसान है दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु फैक्टर को पॉजिटिव करने के लिए आपको एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना होगा, जो आपके सामने है। और माइंड फैक्टर को पॉजिटिव करने के लिए आप डेली भगवान का नाम स्मरण करते हो, डेली उनके मंत्र बोलते हो, तो आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। इस वीडियो में बताई कोई भी बात को समझने में अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे अवश्य कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, याद है ना टॉपिक अगले हफ्ते का, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एंड अपॉर्चुनिटी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।